मुझे नहीं मालूम, मैं तो फिल्म देखा, मैं तो हंसते हंसते गिर गया। मैं इतना ज्यादा बुरी तरह हंस रहा था कि मैंने हंसते वो मैं बोला यार जोक करना है इसके साथ करो, ये तो दिखनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए। इट्स द फनीएस्ट फिल्म आई हैव सीन इन द लॉन्गेस्ट टाइम एंड इट्स ऑल्सो वेरी पॉइग्नेंट, इट सेज अ लॉट। बिकॉज इस मूवी में ये सिर्फ ये बात नहीं है कि एक आदमी है जो कटिया लगाता है, बिजली चुराता है, और एक मोहतरमा है जो उन्हें रोकने में लगी हुई है, इसके पीछे और भी काफी कुछ है जो एक्सप्लोर किया गया है। बहुत कुछ है, मतलब आप एक दुनिया देखते हो, मतलब कानपुर जो है, कानपुर एक शहर नहीं, कानपुर एक अलग देश है। और कानपुर जैसे वो बता रहे थे, कानपुर में आप लोग आते नहीं, कानपुर में लोग गिरते हैं। और फहद शायद कानपुर में गिरे थे और उन्होंने जो कानपुर देखा वो इस फिल्म में है। वो एक 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 ऐसी दुनिया जो किसी ने देखी नहीं है। जब आप कोई भी नई चीज देखते हो और उसमें आप आइडेंटिफाई करते हो बहुत सारी चीजों से कि एक 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 है, मतलब लोग जो है बिजली के बिना रह नहीं सकते, जो शहर में लोग रह रहे हैं और वहां से बिजली की सप्लाई हो रही है। और ये जो कटियावास जो है, ये हमारा हमारे हमारी नेसेसिटीज और हमारी नीड का पैदा किया हुआ है। मतलब बिना बिना इसके, बिना लोहा सिंह के वहां पे लोहा नहीं निकलता कानपुर में। और लोहा सिंह माशाल्लाह खूबसूरत भी है देखने में, क्या दबंग ही है वो, असली दबंग ही है। अच्छा विकास, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आज सुबह जब मैं राहुल और अमित से बात कर रही थी तो एक सवाल मेरे जहन में आया था ट्रेलर को देख के, क्योंकि ये जो लोहा सिंह काम कर रहे हैं ये है तो गैर कानूनी, गलत है, लीगल है, और जो मोहतरमा निकली है उन्हें रोकने के लिए वो सही काम कर रही है, बट ट्रेलर में मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किसकी साइड हूँ, मैं लोहा सिंह की साइड हूँ या मैं जो सही काम है जिन्होंने ऐसे मोर्चा निकाला मैं उनकी साइड हूँ। आप किसकी तरफ है इस मूवी में? ये एक्चुअली इस फिल्म का ऐसा है कि लोहा सिंह अगर अमिताभ बच्चन होता तो हम सिर्फ लोहा सिंह की साइड पे होते हैं। वो सिर्फ रियलिटी है कि लोहा सिंह अमिताभ बच्चन नहीं है। सो जब मैंने ये पिक्चर, जब डॉक्यूमेंट्री पिक्चर ही मैं बोलता रहता हूँ कि व्हेन आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड विक्रम ये चीटिंग कर रहा है जो भी डायरेक्टर आया है, बिकॉज इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अनबिलीवेबल दैट समथिंग लाइक दिस कैन बी अ डॉक्यूमेंट्री एंड दीज पीपल हैव गॉन एंड शॉट इट एंड एक्चुअली मेड इट इनटू व्हाट दे मेड इट। सो द ओनली थिंग मिसिंग इन दिस एंड कालिया is that Amitabh Bachchan had a backstory and Loha Singh doesn't. So if Loha Singh ka ek hum backstory banayein ki you know Loha Singh ke ghar pe kabhi light nahi aati thi, uski maa mar gayi, vidwa maa andhi behen, aur wo kabhi padhai nahi kar saka, to ab wo jaake light churata hai idhar udhar se, to wo ek full film ban jati. So that backstory is only missing thing, otherwise it's a full. Nahi to ye Amitabh Bachchan hai ka. Baja do. Very good. तो ये आपको तो विश्वास हुआ नहीं कि ये ऐसा सच में हो सकता है? Actually, I still don't believe it. तो शिनाख्त करवाई आपने? नहीं, मैं तो इसका चेकिंग करूंगा पिक्चर रिलीज होने के बाद। रिलीज होने के बाद दो लोग रह गए हैं सब स्टेज पे बुलाने के लिए, मतलब दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग, दो लोग जिनकी वजह से ये होता नहीं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ ऑफकोर्स दीप्ति कक्कर। दीप्ति प्लीज If you could come on stage along with बोला तो मेरे साढ़े छह हजार होश उड़ गए क्योंकि इतनी हमें गिनती भी नहीं आती है। फिल्म खाली 50 फेस्टिवल्स में गई है अभी तक, ओनली 50, और हम कुल मिला के 4 अवार्ड्स जीते हैं। तालियां बजा दे इसी बात पे, 4 अवार्ड्स ऑलरेडी जीत चुके हैं मूवी, मतलब रिलीज से पहले अवार्ड जीते हैं, विच ऑफकोर्स इंक्लूड्स अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म, उसका नेशनल अवार्ड मिला है फहद आपको, लगा था
कंटिन्यू फिल्म तो देसी दारू के ठेके में हमने शूट किया, वहाँ कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं तो वहाँ एक्चुअल रियल पियक्कड़ लोगों के बीच में शूट किया, लेकिन गाना इतना अच्छा था कि वो सब झूम रहे थे नाचे थे जैसा अपनी वीडियो में देखा। सो द वीडियो इज़ द हीरो, द सॉन्ग इज़ द हीरो इन द वीडियो एंड देन विक्रम सर विजुअलाइजेशन की ये लोग भटक रहे हैं और इसको बहुत सीमलेसली फिल्म के कॉन्सेप्ट के साथ वीव कर लिया, ये काफ़ी अच्छा था। वरुण के वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, आधे बुझे चिराग के तले पूरा कान पूरा, वो अब हमारा एंथम बन गया, हमारे फ़ोन पे रहता है, हर जगह रहता है और इट वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी वेरी नाइस। नहीं बात लीगल इलीगल की नहीं है, मतलब हम लोग आफ्टर ऑल मैं ऐसे डिफेंड कर रहा हूँ खुद को कि हम कला के पुजारी हैं और जिस किस्म का दिन था, ईद का की रात थी, चांद रात थी, ईद का दिन था, सब कुछ इम्पॉसिबल हो रहा था करने को, वी हैड टू डू इट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज। फिल्म को आप लीगल इलीगल पता नहीं, हमारा इंटेंशन लीगल इलीगल पता, हमारा काम इलीगल इलीगल पता नहीं, इंटेंशन हमेशा सही रहता है कि आप लोग को एंटरटेन करें विद दिस फिल्म दैट इज कमिंग आउट ऑन 22nd और इधर विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi, I'm Devanshu Singh and you're watching IndiaGlitz.com. Thank you. Can I have your number? Thank you so much. सबसे पहले जाना चाहेंगे कटी आवाज़, हमने वीडियो देखा बहुत अलौकिक वर्ड आपने यूज़ किए, कहाँ कहाँ से लेकर आए? जी सारे शब्द कानपुर के ही हैं, तो कानपुर में जितना मुझे जितने शब्द याद थे मैं जाता रहता था, मैं लखनऊ का हूँ तो बगल में ही हैं, हम कई बार जाते थे कानपुर, मेरा भाई वहाँ पढ़ा है, तो बहुत सारे याद थे और बहुत सारे जो हैं फिर इन्होंने अंडू बक्से, जैसे इन्होंने कहा कि अंडू बक्से एक लफ्ज़ है जो मुझे नहीं मालूम था उससे पहले, तो वो फिर इस्तेमाल हुआ, तो वो कानपुर का एक्सपीरियंस जो है ग्रोइंग अप ईयर्स का वो इन्होंने दिया और जो एक आउटसाइडर पर्स्पेक्टिव था वो मेरा था, तो ये दोनों फिल्म तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ये वीडियो जो है वो तो बहुत ही शानदार है, खासतौर से वी हैड नेवर इमेजिन दैट विक्रमादित्य मोटवाने वुड बी डायरेक्टिंग अ म्यूजिक वीडियो फॉर आवर फिल्म, सो इट इज जस्ट सच अ थ्रिल, इट्स फैंटास्टिक। एग्जैक्टली। कटियाबाज एक डॉक्यूमेंट्री है कहने को, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत लोग कह चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्री वो होती है जो फिल्म से पहले चलाई जाती है, तो वैसी फिल्म नहीं है, अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म है, इसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, रोमांस है, नहीं 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 है, पर इट्स अ फिल्म विच वी होप इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन। हम इस फिल्म को बहुत अरसे से घर लाना चाहते थे और कोशिश यही है कि यहाँ की ऑडियंसेस पसंद करेंगे। ये कानपुर के अमिताभ बच्चन, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन क्या वो अपने आप में ही एक स्टार हैं, लोहा सिंह, जिन्हें आप एक बार देखेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, फिल्म जाके देखिए 22 अगस्त को तो आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। थैंक यू। शुरू ऐसे हुआ कि एक दिन सडनली दीप्ति जी ने फ़ोन किया और कहा कि हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है डॉक्यूमेंट्री, आप प्लीज़ उसका म्यूज़िक कर दीजिए, तो हम लोग वैसे भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए म्यूज़िक करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो वो मुझसे मिली, उन्होंने फिल्म दिया, मैंने फिल्म देख लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ हाँ येस वी विल डू इट। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये लोग शायद कुछ बिजी रहे, एक डेढ़ महीने के लिए गायब हो गए, फिर वापस आए, तो फिर हम भी सोचते थे यार पता नहीं कहाँ चले गए, अच्छी फिल्म बनाई है, गायब हो गए, मगर एवरीथिंग वर्क आउट वेल, सडनली वे लोग वापस आए, उन्होंने कहा कि हम ये गाना है इसका ये बना दीजिए और थोड़े बहुत म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं वो सब भी हमने किया है थोड़ा बहुत इसमें। हाँ हाँ, लिरिक्स एक्चुअली जब ये लोग हमसे मिलने आए थे तो लिरिक्स लिखे जा चुके थे, वरुण ने ऑलरेडी लिरिक्स लिख दिए थे, तो लिरिक्स भी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे व्यंग भरे जो लिरिक्स होते हैं वो वैसे ही हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, इंडियन ओशन में आपने देखा होगा हमने यूज़ किए हैं, पीपली लाइव में भी जो गाना था या उससे पहले भी एक दो गाने हमने वैसे किए हैं, तो बस हमको गाने का टोन बड़ा अच्छा लगा कि जो ये बोल रहे थे बड़ा मज़ेदार चटपटा सा था लेकिन फिर भी बहुत सीरियस चीज़ बोल रहा था, तो बस हम लोग शुरू हो गए एकदम ऐसे ही और झटके से बन गया, समझ भी नहीं आया कि कब ये ट्यून बन गया और इतना ज़्यादा लगा भी नहीं कि
रात रात बैठ के कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, इतना सीरियस है, बस फटाक से ट्यून बन गई और एकदम ऐसा का ऐसे छोड़ दिया हमने इसको, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस नहीं किया। अरे कानपुर तो बहुत ही बहुत ज़बरदस्त शहर है, वैसे तो देश के किसी के शहर के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि देखने अलग से कोई लोग जाएंगे यहाँ से, बस गंगा मैया है और काफ़ी गंदी सी हो चुकी हैं और पूरा शहर बहुत गंदा है, और वैसे भी मानसून था, कीचड़, भीड़, लाखों करोड़ों लोग स्कूटर साइकिल एक दूसरे में लड़ रहे हैं आपस में, ये सब चल रहा है, लाइट वाइट भी नहीं है, और इस धूल गुबार के अंदर से एक सडनली हमको एक गाना शूट करने को बुलाया गया कि अब आप चलिए इसमें, और हमारे लिए तो नया ही एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते नहीं हैं, सिर्फ हम लोग अपने एल्बम और गाने बनाते हैं, तो हमें तो मज़ा आया, मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया, और स्पेशली देखिए मैं तो दारू भी नहीं पीता हूँ और मैं डायरेक्ट दारू के ठेके में जाकर के, देसी दारू के ठेके में जाकर वीडियो शूट कर रहा था, बट बहुत मज़ा आया, अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं कि वो क्या सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, और लोकल लोग भी काफ़ी खुश थे इसको लेकर के, वहाँ के लोग मुझे लगता है बहुत परेशान होंगे अपनी लाइफ से वहाँ पर, क्योंकि सिस्टमिक पूरा फेलियर है वहाँ पर और कुछ खास हो भी नहीं सकता मेरे को लगता है उस शहर के बारे में, तो वो छोटी छोटी खुशियों को लेकर के ना जो भी निचोड़ सकते हैं उसमें से रस निचोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ आगे देख के पीछे चलता शहर ये पूरा का पूरा, और आधे बुझे चिराग के तले पूरा कान पूरा, भैया पूरा कान पूरा। थैंक यू।